धर्मपुरी ब्लॉक के ग्राम दसोड़ा में एक दिवसीय नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। परिवार श्रवण कुमार प्रकल्प सहयोगी संस्था सदगुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर विदिशा की ओर से शुक्रवार को दसोड़ा शासकीय प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर परिवार ट्रस्ट संस्थान के सहयोग से किया गया। इस शिविर में करीबन 115 लोगों ने नेत्र जांच कराए, जिसमें 31 मोतियाबिंद मरीज पाए गए एवं 42 को निःशुल्क आँख के काले चश्मे दिए गए। यह संस्था 2003 से लगातार सेवा दे रही है। गांव के आसपास के सभी का नेत्र का इलाज निःशुल्क परिवार श्रवण कुमार प्रकल्प संस्था की ओर से कराया जाएगा। बताया गया कि समाज सेवा के तहत निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। संतोष कुमार नामदेव ने बताया कि नेत्र हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए हमें इनकी देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और समय समय पर इनकी जांच करवाते रहना चाहिए। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। आपका नाम? बलराम कनेल। आज जो ये नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या बोलेंगे? आज जो ये नेत्र शिविर जो चाइल्ड एजुकेशन जो है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और ये बहुत ही सेवा का काम है। ये लोग गांव-गांव जाकर गरीब लोगों के लिए सेवा दे रहे हैं, नेत्र जांच कर रहे हैं। आगामी इनकी प्लानिंग है कि ये इनको जो भी मोतियाबिंद जिन पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका मोतियाबिंद हुआ है, उनको ले जाएंगे, निःशुल्क ले जाने लाने की सुविधा रहेगी, खाने पीने की भी, और उसके द्वारा कंबल भी दिए जाएंगे। और भी इनकी प्लानिंग है कि बच्चों के लिए जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, यानी गांव लेवल पर जहां गरीब निवास करते हैं, वहां पर ये स्कूल खोलें और बच्चों को सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ, यानी कि खाना पीना, रहना और पढ़ाई की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने, इनका संकल्प है। और ये सेवा संस्था जो है बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है, ये हमें खुशी की बात है जो सेवा देने के लिए हमारे गांव में आए हैं। आपका नाम? बजाराम बामने। आपके ट्रस्ट के द्वारा और क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी? जी, संस्था का नाम परिवार एजुकेशन सोसाइटी नाम है और धार जिले में 11 एम्बुलेंस चल रही है। जैसे धार जिले के आसपास गरीब गरीब गाँव है, हर ब्लॉक में कुटीर खुलेगी बच्चों के लिए, निःशुल्क भोजन दिया जाता है, उसमें पढ़ाई शिक्षा के ऊपर भी काम करते हैं। ये ट्रस्ट के द्वारा कब से कार्य किया जा रहा है? जो 2003 से काम चल रहा है। जी, लगातार आप शिविर के आयोजन करते रहते हैं? जी, शिविर का भी काम हर जिले में चलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।